नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इन में दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं कॉपर एल स्ट्रिंग लाइट्स जो कि यूएसबी पावर से चलती हैं और कमाल का डेकोरेशन आप इनको यूज़ करके कर सकते हैं तो आइए हम जो है बॉक्स ओपन कर लेते हैं इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और ये जो है मनसा कंपनी की है इसमें कई सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं और जो वेरिएंट मैंने मंगाया है वो है वार्म वाइट या फिर येलो भी कह सकते हैं और जिस तरह से आप बॉक्स पैकिंग पे पढ़ पा रहे होंगे कलर लिखा है येलो या फिर गोल्ड और बॉक्स की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये जो है दोस्तों एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और पैकेजिंग आप कहें तो काफ़ी जो है नॉर्मल पैकेजिंग है आजकल वैसे भी जो है बबल रैप वगैरह किसी तरह के एडवांस्ड पैकेजिंग ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स ऑफर नहीं करते हैं तो सिंपल जो है इस तरह से पैकेजिंग मतलब सिंपल जो बॉक्सेस हैं वही डाल के पार्सल में भेज दिए हैं तो आइए इसके ऊपर की जो पन्नी है उसको हम निकाल लेते हैं और पन्नी निकालने के बाद में दोस्तों ये जो अंदर का जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से दिखता है तो जो है इसमें ट्रांज़िट डैमेज होने का तो वैसे कोई चांस नहीं दिखता एक कार्ड मिल जाता है आपको और कार्ड के ऊपर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ पे मिल जाती है जो झालर है वो खुद मिलती है तो यहाँ पे जो है इस तरह से एक बंडल जो है बना के दे दिया गया है कॉपर की वायर है और वैसे तो दोस्तों यहाँ पे देख के मुझे ये लग रहा है कि जो 10 मीटर इसकी लेंथ है वो कमाल की रहने वाली है और कई सारे जो डेकोरेटिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी से मेरे दिमाग में आने लग गए हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको अगर इस चैनल पे देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आइए दोस्तों अभी जो है इसको हम हमारे वर्क बेंच पे सेटअप करते हैं और इसके जो प्रोज और कॉन्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं लेट्स गो तो दोस्तों अभी हम आते हैं इसके प्रोज और कॉन्स वाले सेक्शन में और जो फीचर्स है वो भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो सबसे पहले इसके जो प्रोज है उसको हम समझ लेते हैं तो यहाँ पे इसका जो पहला प्रो है अगर आप ये पिक्चर ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा तो पहला इसका जो प्रो है कि ये जो लाइट्स हैं दोस्तों इसका कंजम्पशन काफी कम है और जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं इसको जो है एक पावर बैंक से पावर दे रहा हूं और पावर बैंक पे जो है ये घंटों चलते रहता है और अगर एग्जैक्ट पावर कंजम्पशन आपको इसका जानना है तो यहां पे जो है आई बटन में मैंने जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप जो है लिंक चेक कर सकते हैं जहां पे ये जो लाइट्स है इसका हमने पावर कंजम्पशन टेस्ट किया था इसके बाद में इसका जो दूसरा प्रो है दोस्तों वो है इसकी लेंथ मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो यहाँ जालर दिख रही है दिस इज ओनली हाफ द लेंथ ये जो है मैं कम्पलीटली ओपन करूंगा आप जो है कुछ लाइट्स इस तरफ भी पड़े हुए हैं तो यहाँ पे जो है मुझे काफी अच्छे रेट में दस मीटर मतलब थर्टी थ्री फीट की जो लेंथ है ये मिल जाती है और इस लेंथ को यूज करके आप जो भी अगर मान लीजिए अगर आप फोटोग्राफी करते हैं डेकोरेशन करते हैं तो जिस तरह से मैंने ये मोबाइल फोन के ऊपर भी इसे बिछा दिया तो ये जो है काफी सुंदर दिखने लगा है तो थर्टी थ्री फीट की लेंथ यूज करके आप जो है काफी सारा डेकोरेशन एक ही झालर में लगा के कर सकते हैं इसके बाद में इसका जो तीसरा प्रो है वो है इसकी लाइफ दोस्तों इसमें जो एलईडी लगे हुए हैं ये चलते हैं डीसी वोल्टेज पे और आपको तो ये मालूम ही होगा कि जिस तरह से जो दिवाली की झालर होती है दोस्तों जो एसी वोल्टेज पे चलती है वो लगभग हर साल खराब हो जाती है क्योंकि जो है कई बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ जाते हैं कई बार मॉइस्चर आ जाता है लेकिन ये जो है डीसी एनर्जी पे चलती है तो यहां पे किसी तरह का जो है फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा उसके बाद में इसकी जो हीट जनरेशन है वो भी ना के बराबर है मतलब ये जो एलईडी है ये हीट अप नहीं होती तो ये जो है दोनों तीनों एडवांटेजेस मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये सालों साल चलने वाला है क्योंकि इसमें खराब होने जैसा कोई नहीं है और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे लाइट्स जो आप देख रहे हो दोस्तों दिस इज बेस्ड ऑन एलईडी टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पे जो है एक छोटा सा एलईडी चिप है और उसके ऊपर ये जो रेजिन है दोस्तों यहाँ से इसको कोट करके वॉटर बना दिया गया है तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एलईडी टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है लॉन्ग लाइफ वो भी आपको इस प्रोडक्ट में मिलने वाला है इसके बाद में इसका जो चौथा प्रो है दोस्तों वो भी इसमें ही ज्वाइंट हुआ है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसको जो है आप हाथ में आराम से पकड़ सकते हैं मैन्युपुलेट कर सकते हैं तो इसका फायदा यह है कि मान लीजिए गलती से अगर कोई तार टूट भी जाता है और कोई बच्चा वगैरह इसको हाथ लगा लेता है तो इसमें शॉक लगने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा दोस्तों यही रीजन है जिसकी वजह से जो है जो दिवाली झालर आती है जो मेन्स वोल्टेज पे चलती है उसे हाथ लगाने से हम डरते हैं क्योंकि हल्का सा भी अगर कट उस झालर में लग जाता है तो यहां पे पूरा जो है 230 थर्टी वोल्ट जो है आपको शॉक लगने का चांस रहता है इंजरी हो सकती है प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ये वाली जो झालरें हैं दोस्तों ये चलती है डीसी 5 वोल्ट पे मतलब यहाँ पे जो पावर बैंक है इसमें से जो है इसको पावर दिया जा रहा है और डीसी 5 वोल्ट जो है दोस्तों ये ह्यूमन्स के लिए काफी सेफ होता है तो अगर वायर गलती से टूट भी जाती है और यहाँ पे जो है अगर कोई इसे हाथ लगाता है या फिर गलती से अगर ये जो झालर है पानी में गिर जाती है तो भी यहाँ पे किसी तरह का शॉर्ट सर्किट या फिर करंट लगने का जो प्रॉब्लम है ये नहीं रहेगा तो आई होप ये जो एडवांटेजेस हैं आपको काफी पसंद आए अभी हम आते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर और, और दोस्तों ये वाला वीडियो अगर आपको देखने में मजा आ रही है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइए क्योंकि इन चीजों के जो डिसएडवांटेज हैं वो आई थिंक कि शायद यूट्यूब पे किसी ने अभी तक नहीं बताए हैं तो यहां पे जो पहला डिसएडवांटेज वो है तो ये जो प्लग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो प्लग है ये यहाँ पे जो है स्लाइटली हिटअप होता है और ये जो है आज तक रिव्यू में किसी ने नहीं बताया और इसका जो इंटरनल रीजन है वो भी वो भी मैं आपको जो है बताता हूँ तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों कि ये जो हरेक एलईडी है तो एलईडी चलती है लगभग तीन वोल्ट डीसी पे और ये जो सारी एलईडी हैं दोस्तों इन तारों के ऊपर पैरल में लगाई गई हैं मतलब ये जो सारे एलईडीज हैं इनके पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ इस तरह से ये जो है पैरल स्ट्रिंग बनाई गई है और ये जो हमारा जो पावर बैंक होता है दोस्तों इसका जो आउटपुट होता है वो होता है फाइव वोल्ट डीसी मैं आपको जो है थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं ये डिस्प्ले पे तो यहां पे आप पढ़ सकते हैं होपफुली लेट मी फोकस द कैमरा फॉर यू राइट तो हमारा जो पावर बैंक होता है या फिर हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है उसका आउटपुट होता है फाइव वोल्ट डीसी और ये जो फाइव वोल्ट डीसी है दोस्तों इसको लगभग थ्री वोल्ट में डाउन कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो है कंपनी ने अंदर हिडन कुछ आई थिंक जो है रजिस्टेंसेस uh, या किसी तरह का ड्राइवर लगाया है मोस्टली इतने बजट प्रोडक्ट में जो है रजिस्टर्स का यूज किया जाता है और वो रजिस्टर्स की वजह से ये जो प्लग है दोस्तों ये जो है हीटअप हो जाता है और इसकी जो हीट है आप जो है महसूस कर सकते हैं मतलब एक तरह से जो है ये फाइव वोल्ट लेता है उसमें से लगभग दो वोल्ट की जो एनर्जी है उसको यहाँ पे हीट में वेस्ट कर देता है और बाकी बचे हुए जो तीन वोल्ट है वो आगे भेज देता है और वो तीन वोल्ट के ऊपर आपकी ये जो लाइटिंग है ये चल जाती है इसके बाद में हम आते हैं इसके दूसरे प्रो ओर सॉरी दूसरे कौन की ओर और, और दूसरा कौन इस तरह से है दोस्तों की आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस इन द कैमरा अब यहाँ पे जो है जिस तरह से हमने बात की कि सारे जो बल्ब हैं ये पैरेलल में लगाए गए हैं तो यहाँ पे जो लास्ट बल्ब है इसकी ब्राइटनेस काफी गिर जाती है क्योंकि ये जो वायर है दोस्तों काफी पतली सी वायर लगी हुई है और वायर में होता है वायरिंग लॉस और इतनी लंबी जो है ये पतली तार की वजह से यहाँ पे जो है वायरिंग लॉस हुआ है और आखिरी वाला जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस यहाँ पे काफी कम हो चुकी है तो आपको मैं बताऊ यहाँ पे ये जो है लगभग जो है स्टार्टिंग का बल्ब है और ये वाला जो है लास्ट का है कैमरा में जो है ये डिफरेंसेस इतने अच्छे से मैं नहीं बता पा रहा हूं आपको लेकिन अगर आप जो है इसको सामने से देखेंगे अगर आप इसको जो है इन पर्सन देखेंगे तो इन पर्सन आपको जो है इन चीजों में डिफरेंस पता चलता है कि हाँ भाई आखिरी वाला जो बल्ब है ये डिम हो गया है और स्टार्टिंग के जो बल्ब है ये काफी अच्छी तरह से ग्लो कर रहे होंगे आई थिंक यहां पे जो है आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है इसकी ब्राइटनेस कम है तो आई थिंक दोस्तों ये थे इसके कुछ प्रोज और कॉन्स और इसके जो कॉन्स हैं वो कुछ इतने बुरे नहीं है स्टिल ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है वो भी काफी अच्छी है तो आपको अगर ये प्रोडक्ट परचेस करना है या आपको इसकी प्राइस जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप बाइंग लिंक चेक कर सकते हैं प्राइजेस जनरली मैं वीडियो में नहीं बताता हूं क्योंकि इसके जो प्राइजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं तो नीचे जाके जो है आप इसको चेक कर सकते हैं और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कुछ डेकोरेटिव आइडियाज मैं आपको प्रेजेंट करूं या फिर कुछ फोटोग्राफिक आइडियाज प्रेजेंट करूं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस आई होप यू लाइक इट और इस तरह के झालर का जो डेकोरेशन है काफी सुंदर बनता है और ये डेकोरेशन अगर जो है आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में बाय दैट टाइम टेक केयर हैव अ नाइस डे एंड विश यू हैप्पी हॉलीडेज